समय कितना है मेरे पास? 10,000 लोगों की रोजी रोटी का भार है मुझ पर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी के बाद भार जाए। इस आदमी को ऐसे वैसे मत समझो। इसकी आंखें इमारतों को परख लेती है एक्सरे के। ये पैसा अभी अभी चाहिए। कहते हैं अमिताभ बच्चन का 70 साल की उम्र में भी बॉलीवुड में सिक्का चलता है। मैं लाश नहीं हूं, लेकिन जिंदा हूं। अमिताभ नाम ही किसी भी फिल्म के हिट होने का पैमाना मान लिया जाता है, लेकिन छोटे पर्दे पर उनके शो युद्ध को कोई खास महत्व मिलता नहीं दिख रहा। बिग बी का ये शो प्राइम टाइम पर कब्जा जमाए बैठी सास बहुओं के आगे घुटने टेकते नजर आ रहा है। अमिताभ स्टारर शो युद्ध को अगर हम टीवी शो की लोकप्रियता मापने के पैमाने यानी TRP रेटिंग्स के आधार पर देखें, तो शो को बहुत ही कम दर्शक नसीब हो रहे हैं। शो शुरू होने के बाद ना तो कहीं अखबारों की सुर्खियां बन रही है और ना ही किसी टेलीविजन शो में इसकी चर्चा है। शो में अमिताभ थके हुए और अनमने से बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और इसकी कहानी भी काफी उलझी हुई है, जिसके लिहाज से ये भारतीय दर्शकों के बीच फिट नहीं बैठ पा रही। कहा जा रहा है कि युद्ध भारतीय टीवी इतिहास का सबसे महंगा फिक्शन शो है और हर एपिसोड की लागत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतने तामझाम के बावजूद भी शो का न चल पाना हैरानी भरा है। TRP के पैमाने की बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति जैसी शो की TRP जहां 14 से 16 के बीच रहती थी, वहीं युद्ध की TRP महज 0.7 ही है। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोती झगड़ती जेवरों से लदी सास बहुओं ने सदी के महानायक को टेलीविजन के पर्दे पर हरा दिया है और अमिताभ ये युद्ध हारते नजर आ रहे हैं। युद्ध की दुनिया अलग। शैलेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। क्षेत्र जो है हमारा है, यहाँ पे आपको हमारे तरीके से रहना होगा। ये खेल अब आपको मेरी तरह ही खेलना होगा। डिनर खाएंगे या अब से खाना पीना किसी और घर में होगा? मैं एक बार हिम्मत का रास्ता लेना चाहता हूँ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि आप मेरे डैड हैं।